हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा सो दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ एम सी क्यूज ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वंस अगेन पांच क्वेश्चन ही देखेंगे ओके okay? और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए साथ साथ समझते चलेंगे प्रोसेस सेम है क्वेश्चन आएगा आपने क्वेश्चन को सुन लेना है मैं जो समझा रहा हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड वो समझ लेना है फिर उसको खुद आंसर करने की कोशिश करनी है देन सल्यूशन देखना है चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द रीजन फॉर द वाइट म्यूटिनी व्हाइट म्यूटिनी नाम से एक म्यूटिनी हुई थी जैसे रिवोल्ट 1857, या म्युटीनी होती रहती है एक म्यूटी तो किस वजह से हुई थी अमेलगाम आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विद्वींस आर्मी ऑप्शन सी वोटिंग राइट दे दिए थे इंडियन को इसीलिए यह म्यूटिनी हुई थी ऑप्शन डी नाइट म्यूटिनी का कारण आपने बताना ठीक है इल्बर्ट बिल वैसे तो आगे चलकर एमसीक्यू एम सी क्यू इलबर्ट बिल के ऊपर भी जरूर देखेंगे पर फिर भी आपको बता देता हूँ एलबर्ट बिल बेसिकली लॉर्ड रिपन ने इंट्रोड्यूस किया था ओके एंड बेसिकली ये इंडियन जजेस को इक्वल राइट right दे रहा था टू ट्रीट द वाइट क्रिमिनल्स ओके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे एल्बर् बिल के ऊपर क्वेश्चन जरूर देखेंगे आगे चल करके चिंता मत करो ठीक है जी तो इसमें आंसर क्या होगा सीधा सा क्वेश्चन है वाइट म्यूटिनी के बारे में अगर पढ़ा है तो इजीली आंसर कर दोगे नहीं पढ़ा तो मुश्किल होगी आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी ऑप्शन बी ठीक है ऑप्शन बी इसमें आपका सही आंसर रहेगा इंडियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी और जो क्वीन की आर्मी थी उसको अमेल्गामेट करने की वजह से वाइट म्यूटिनी जो है दैट टुक प्लेस तो बेसिकली हुआ क्या था इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो सारी समझ लेते हैं अब ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया 1857 का रिवोल्ट हमने देख लिया कि 1857 में रिवोल्ट हो गया और 1858 में ब्रिटेन की सरकार ने एक एक्ट पास किया जिसका कहते हैं हम गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट ठीक है यहाँ लिख देते हैं गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट ठीक है ये एक एक्ट पास कर दिया गया और इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया और सारी की सारी पावर ब्रिटेन की सरकार ने अपने अंडर ले ली यानी कि ब्रिटेन की रानी ने अपने अंडर ले ली ठीक है जी अब हुआ क्या जब पावर ट्रांसफर हो गई तो जो ऑफिसर्स जो लोग जो सोल्जर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में अपॉइंटेड थे उन्होंने एक रिजेंट किया रिजेंट क्यों किया क्योंकि अब यह बोल दिया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की तो आर्मी भी खत्म होगी ना तो सीधा सीधा ये बोल दिया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है वो अब क्वीन की आर्मी का पार्ट बन जाएगी या ब्रिटेन की आर्मी का पार्ट बन जाएगी ठीक है और इस मूव को रिजेंट किया और जब ये रिजेंटमेंट हुआ उसी जो चीजें प्रोसेस में आई उसको हम बोलते हैं व्हाइट म्यूटिनी अब रिजेंट क्यों किया गया 1861 से, से पहले दोनों अलग अलग आर्मी काम कर रही थी 1861 में बोल दिया कि दोनों एक साथ अब एक एंटिटी बन जाएंगी अब होता क्या था जो क्वीन की आर्मी थी उसको कोई बट्टा नहीं मिलता था कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता था ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता था किस चीज़ का एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता था फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सोल्जर की पोस्टिंग अवध में है ठीक है तो उसको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा अगर वो बंगाल चला जाएगा तो या अगर वो लाहौर चला जाएगा तो ठीक है या फिर अगर वो जैसे ब्रिटेन से दूर काम कर रहे थे इंडिया में आके काम कर रहे थे इंडिया वाले कि, सोल्जर्स बोले कि, इसमें हमारा क्या लेना देना हम नहीं ज्वाइन करना चाहते फिर क्वीन की आर्मी को हमें एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली इस म्यूटिनी को रोकने के लिए फिर ये डिमांड उनकी एक्सेप्ट की वॉलेंट्री होगा वॉलेंट्री होगा जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं जो नहीं ज्वाइन करना चाहते वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेकर के इंग्लैंड वापस आ जाए ठीक है एंड अल्टीमेटली इस व्हाइट म्यूटिनी को वहां पर खत्म कर दिया गया तो मेन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि व्हाइट म्यूटिनी हुई किस वजह से थी रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद हुई थी जब इंडियन दोनों आर्मीज को अमेलगामेट करने की बात हो गई थी और उसमें भी क्यों हो रहा था क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स थे वो कह रहे थे कि हमें अब एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेगा हमें अब बत्ता नहीं मिलेगा तो अब हम काम नहीं करेंगे और इंपॉर्टेंट right, है पूछा जा सकता है अगला सवाल अगला सवाल है आपका गवर्नर जनरल दिए हुए हैं और आपने बताना है कि इनमें से इन्होंने कौन सी पॉलिसी मैच की और इनकरेक्टली मैच आपने बताना है इनकरेक्टली के ऊपर सर्कल लगा लेंगे पेपर में जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है अब देखो कई बच्चे इसमें कहेंगे कि सर ये तो 1857 से पहले के गवर्नर हैं 1857 से आपने कहा कि भाई फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से शुरू हुआ ठीक है फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से शुरू हुआ देखो हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि 1857 से पहले भी रिवोल्ट हुए थे आपको अगर याद होगा आज से दो तीन साल पहले अट्ठारह में मोदी जी ने डिक्लेयर किया था अट्ठारह में एक पैका रिबिलियन हुआ था ठीक है ओडिशा में और नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि दिस वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में 2017 में उसके 100 200 वर्ष जो है वो पूरे हुए थे तब ये बातें सामने आई थी तो आप कैसे डिफाइन करते हो फ्रीडम स्ट्रगल को ठीक है तो हमें थोड़े बहुत पुराने क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे नहीं तो फिर पेपर देखो पेपर में अगर क्वेश्चन आ गए ना इस तरह के तो फिर आप वहां पर केस करते रह जाओगे क्योंकि कहीं पर भी जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें उन्होंने डिफाइन नहीं किया है कि 1857 से बाद का फ्रीडम स्ट्रगल उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल लिखा है ठीक है और अगर अब मैं बात कहूं इन सारी पॉलिसीज की जो आपको नोन फॉर लिखी हुई है ये कहीं ना कहीं कारण बने थे 1857 के रिवोल्ट के रिवोल्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है तो मैच करना है आपने कौन से गवर्नर जनरल ने कौन सी पॉलिसी शुरू की थी इनकरेक्टली बताना है आपने जो इनमें से गलत मैच हुआ हुआ है ठीक है लॉर्ड डलहौजी के साथ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स हुआ हुआ है लॉर्ड वॉरन हेस्टिंग्स पॉलिसी ऑफ पैरा लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉल सब्सिडरी अलायंस तो इनमें से इनकरेक्ट कौन से कौन से हैं देखो वन तो करेक्ट है वन करेक्ट है यानी कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता सी नहीं हो सकता डी नहीं हो सकता तो अगर आपको सिर्फ ये वाला भी पता था तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा ठीक है क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्टर इन ऑफ लैप्स लेकर के आए थे तो आंसर इस केस में क्या होगा आपका ऑप्शन बी होगा ठीक है एक एक करके इनके बारे में आप समझते हैं सब्सिडरी अलाइंस तो आपके लेक्चर टू में हमने डिटेल में डिस्कस किया था इसीलिए मैं सब्सिडरी अलाइंस को डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा यहां पर ठीक है लेक्चर टू के लिए आपने देखना है चलो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की किसकी बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की ठीक है तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज वन ऑफ द फाइनल वेव ऑफ एन उससे पहले सब्सिडरी एलाइंस आया पैरा आया ये सारे पहले आए थे अच्छा देखो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजी अरेंज फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजी ठीक है कि ऑर्डर में अरेंज करो कि भाई सबसे पहले आपकी सब्सिडरी एलाइंस हुई ठीक है उसके बाद आपका पैरा की पॉलिसी आई और उसके बाद आपकी ऑफ आई ठीक है थीके? तो ये इसी ऑर्डर में आई थी और इसी ऑर्डर में आपने याद रखनी है पूछा जा सकता है कि बताओ पहले कौन सी आई बाद में कौन सी आई तो फाइनल वेव ऑफ एन थी और लॉर्ड ढलौजी ने इसको शुरू किया था लॉर्ड ढलाउजी जो थे वो गवर्नर जनरल थे 1848 से 56 तक आइडिया होना चाहिए गवर्नर जनरल्स के टर्म्स का ठीक है अब डॉक्टर ऑफ लैप्स में बेसिकली था क्या इसमें बोल दिया गया कि कोई अगर हिंदुस्तान में राजा है किसी स्टेट का राजा है किसी राज्य का राजा है, और उसकी मृत्यु के समय उसका कोई खुद का बेटा नहीं है अडॉप्टेड बच्चा है ठीक है उसका खुद का बेटा नहीं है तो उस केस में उसका जो राज्य है उसको कंपनी जो है एनेक्स कर लेगी अगर एडोप्टेड सन है अगर एडोप्टेड सन है तो उस एडॉप्टेड सन को राजा नहीं बनाया जाएगा कंपनी उसको एनेक्स कर लेगी सिंपल सी भाषा में ये आपका ऑफ था ठीक है और इस ऑफ की वजह से काफी सारे किंगडम्स जो किए गए 1848 से 56 के बीच में अल्टीमेटली इन रूलर्स ने रिवोल्ट ऑफ 1857 में फिर पार्टिसिपेट किया ठीक है आगे बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वॉज नॉट एनेक्सड अंडर द ऑफ डॉक्टर ठीक है कौन सी प्रिंसली स्टेट ऐसी थी जो ब्रिटिशर्स ने ऑफ के अंडर एनेक्स नहीं की कब्जा नहीं किया ऑप्शन ए सतारा ऑप्शन बी झांसी ऑप्शन सी उदयपुर ऑप्शन डी अवध बताओ जी कौन सी थी इनमें से जिसको डॉक्टर ऑफ लैप्स के अंदर नहीं एनेक्स किया गया चलिए तो आंसर यहां पर क्या होगा आंसर यहां पर होगा आपका ऑप्शन डी अवध अवध जो है इसको डॉक्टर के अंडर नहीं एनेक्स किया गया था इसको एनेक्स किया गया था अंडर मिस रूल ठीक है कंपनी ने क्या कहकर इसको एनेक्स किया था कि मिस रूल चल रहा है अवध के अंडर ठीक है जी तो ऑप्शन डी हो जाएगा बाकी के तीनों जो है ये एनेक्स किए गए थे अंडर द डॉक्टर ऑफ लैप्स अच्छा एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है पहले मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूं ये जो एक लास्ट पॉइंट हमने करना हमारा रह गया था तो कौन से कौन से किंगडम्स uh, नेक्स्ट किए गए थे डॉक्टर ऑफ लैप्स में सतारा सांबलपुर उदयपुर नागपुर और झांसी ठीक है जी अब एक क्वेश्चन और बन सकता है क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट किंगडम वॉज द फर्स्ट किंगडम To be annexed under doctrine of सीधा तो आंसर क्या हो जाएगा सतार ये इस तरह के फैक्ट्स भी पता होने चाहिए पेपर में पूछे जा सकते हैं चलिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बाद था आपका पैरामाउंटेसी पैरा माउंटेसी में इन्होंने वॉरन हेस्टिंग दिया हुआ था तो वॉरन हेस्टिंग जो है वो नहीं होगा इसका वॉन हेस्टिंग आपके पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के ठीक है 1772 से 85 तक ये गवर्नर जनरल रहे पैरा माउंटेसी अल्टीमेटली किसने इंट्रोड्यूस की थी इट वाज इंट्रोड्यूसड बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स हेस्टिंग्स जो थे गवर्नर जनरल 1813 से 1823 तक के थे ठीक है अब अगर आप देखते हो ये वाला जो पीरियड है इस पीरियड में जो कंपनी है वो बहुत एग्रेसिव थी अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव एग्रेसिव थी और इसी एग्रेशन में जो पॉलिसी है पैरामाउंटेसी की लाई गई अब पैरामाउंटेसी की पॉलिसी में क्या लिखा था कंपनी ने सीधा सीधा क्या लिख दिया कि जो कंपनी का इंटरेस्ट है वो पैरामाउंट है वो सबसे ऊपर है वो सबसे सुप्रीम है ठीक है और अगर कंपनी के इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी खतरा आता है तो कंपनी के पास ये पावर है कि वो अपने इंटरेस्ट को ऊपर रखे ना कि इंडियन स्टेट के ठीक है ये कहा गया कि कंपनी की जो पावर है वो हमेशा ऊपर रहेगी इंडियन स्टेट्स से तो अपनी इंटरेस्ट को बचाने के लिए अगर वो किसी 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 को को कर कर रहे रहे हैं हैं या थ्रेटन करने के लिए किसी इंडियन किंगडम को थ्रेटन कर रहे हैं तो वो बिल्कुल जायज माना जाएगा वो बिल्कुल जायज है ठीक है तो यह पैरामाउंटेसी एक तरह से एक्सपेंशन के लिए विस्तार के लिए कंपनी ने इसका इस्तेमाल किया ठीक है जी चलिए अब एक क्वेश्चन देखेंगे पहले आगे बढ़ने से पहले पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी एलायंस वॉज यूज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाई विच गवर्नर जनरल Wellesley था वहां पर इसीलिए आप uh, जो है वो गलत हो गया आपका स्टेटमेंट ठीक है क्वेश्चन में आपको एक बार दिखा देता हूं यहां पर कॉन uh, दिया हुआ था पर लॉर्ड Wellesley है लेक्चर two में हम डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर दोबारा नहीं जाएंगे पर अब आपका क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है कि पहली बार फ्रेंच गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस की थी सब्सिडरी एलायस की ठीक है ब्रिटिशर्स में लॉर्ड वेलेसले थे पर फ्रेंच में कौन थे मार्किस ड्यूप्लिक्स एडमरल चार्ल्स रॉबर्ट और नन ऑफ बताइए इसमें से क्या आंसर होगा पता होना चाहिए हाँ जी इजी है लेकिन फैक्चुअल है लेकिन फैक्चुअल है या तो पढ़ा है तभी कर सकते हो नहीं तो नहीं कर पाओगे आंसर है इसका आपका ऑप्शन है मार्किस डुप्लेक्स इन्होंने सब्सिडरी अलाइंस का पहली बार हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया था चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को मैंने यहां पर क्यों डाला है प्रैक्टिस द गवर्नर जनरलशिप ऑफ कौन से गवर्नर जनरल के समय बंगाल सती रेगुलेशन पास किए गए थे अब कि सर ये फ्रीडम स्ट्रगल में कहां से आ गए रिलीजियस रीजन रीजन भी तो थे रिवोल्ट ऑफ एटीन के ठीक है लोग नाखुश थे हिंदुस्तान के की सती बैन कर कुछ पढ़े लिखे लोग राजा राम मोहन रॉय जैसे वही बस खुश थे, तो थे ना ठीक तो तो है, कि है ये क्वेश्चन क्या डाल दिया आपने हमारी इंटेलिजेंस शक कर रहे हो देखो एक तो मैंने आपको पहले भी बताया संडे अच्छा बनाने के लिए एग्जामिनर ऐसे दो चार क्वेश्चन डालता है जो बहुत आसान होते हैं ताकि आपको बुरा ना लगे कि भाई मैंने तो इतनी तैयारी की मुझे तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया दूसरा ये क्वेश्चन डालने का रीजन ये था यहां पर बंगाल सती रेगुलेशन लिखा हुआ है कई क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे होते हैं कि हु सती फ्रॉम इंडिया हुई गवर्नर जनरल सती कई बार बच्चों का ना पेपर में बंगाल सती रेगुलेशन देख के दिमाग हिल जाता है कि स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली बंगाल टर्म मैं तो कहीं किसी और ने ना किया हो तो ऐसा नहीं है लॉर्ड विलियम बेंटी की केस में आंसर आपका रहेगा ठीक है चलिए तो ठीक है गाइस पांच क्वेश्चंस हमारे इस वीडियो के हो गए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ठीक है और कोई अगर आपके सजेशन है वो भी आप बता सकते हैं कोई प्रॉब्लम्स है वो भी शेयर कर सकते हैं कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नाइन के ऊपर या फिर आप मेल भी कर सकते हैं सिक्स डॉट कॉम पर ठीक है और बाकी की प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन पर आई हुई है वो जरूर देखिएगा आपको ईपीएफओ में काफ़ी उससे हेल्प मिलेगी मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय